हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम अयस्क और खनिज यानी ओर और मिनरल्स में अंतर समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है खनिज, यहाँ पे अयस्क, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए पहली अंतर की बात कर लेते हैं, तो खनिज की पहले हम लोग बात करते हैं। तो धातुओं के प्राकृत यौगिक को हम लोग यौगिक रूप को हम लोग खनिज कहते हैं। अधिकांश यानी ज़्यादातर धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें पायराइट या क्यूपराइट से प्राप्त होता है। सभी खनिज अयस्क में अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। अयस्क की बात कर लेते हैं, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल यानी आसान हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू।